कैसे आप लोग? आई होप आप मस्त हो गए। तो अभी बस जस्ट सो के उठे हैं, थोड़ा टाइम हो गया है और यहीं पे आज छत पे सोए थे, मौज मस्ती मार के एकदम फुल। खाना पीना सब यहीं पे हुआ था कल। तो अभी नहाना धोना है तो यहाँ पे अपना पानी आ रहा है। और पिछले 6 महीने में आपके बहुत रंग देख लिए हैं और खुले में नहाने का कुछ मज़ा ही अलग है और ठंडा लगेगा थोड़ा सा। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या करते हैं, सारा कुछ इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। और उसके बाद शायद आज मैं अपने दादाजी के घर जाऊँ, तो वहाँ जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगा। तो आप लोग बस बने रहो। जब से मैं घर पहुँचा हूँ तब से दोनों बच्चे मेरे साथ थे, घर जाने का नाम ही नहीं लेते। सुबह सुबह उठाऊँ और जब से यहीं बैठे हैं। क्यों बैठे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जब तक ये फ़ोन है तब तक ये हैं, जैसे ये फ़ोन बंद होगा ये भाग जाएंगे। तो बताओ अभी मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। और वैसे ये रजीपुर बोलते हैं, वैसे सिंगी रामपुर है ये स्टेशन। और मैं बहुत आगे आ चुका हूं, कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ता है गांव में अंदर, मतलब रोड से। तो अभी मैं घर जा रहा हूं। चाचा को फ़ोन किया, वो शायद खेत में होंगे तो उन्होंने कॉल पिक की नहीं मेरी। और यहाँ पर मैं चल रहा हूँ तो सारे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो चलो, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रुकूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या करूँगा 1-2 दिन रह के, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और मेरा फेस जो है रेड रेड हो रहा है। और चारों साइड खेत हैं। और पिछली बार जब आया था मैं तो वो स्कूल था वहाँ पे, कुछ भी था, अभी भी है मतलब। और इस चारों साइड खेत है और जो हमारा घर है वो बीच में है थोड़ा सा, तो थोड़ा टाइम लगता है चलते चलते। इधर पे नहाते थे हम लोग और गाँव बहुत पूरा चेंज हो गया गाँव। ये तालाब रहा हमारा पहले वाला और घर घूर बन गए, मतलब बेस्ट हो गया थोड़ा सा। और गांव में आने के बाद जो शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती भाई। धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए। यहाँ खेलते कूदते थे हम लोग और यहाँ पे मतलब नहाते धोते थे। यहाँ पे एक ट्यूबवेल जैसा है जो कि कल दिखाएंगे आपको जब मैं खुद नहाऊंगा। और यहाँ से वो सामने है ना, वहाँ पे मेरा घर है। तो बस चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। 15 मिनट्स लेटर। कौन सा अच्छा लगता है आपको? ये अच्छा लगता है। अब सारा रख दो और सारा दीदी को दे दो। ए भी बन गई शैतान उसके साथ, वो तो छोटा है। नहीं रखो। अब मार पड़ेगी इसकी। The next day. बस मैं उठ चुका हूँ सो के और गांव में हूँ आपको पता ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने जो खेत हैं वो देखने जा रहा हूँ। और इस छुटके को लेके जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ मुझे घुमाने। चल तो फिर उसके बाद आपको भी खेत दिखाऊंगा। अभी आपने मोर देखा होगा? नहीं। सामने ही मेरे मतलब डांस कर रहा था और जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और वो शर्मा आ गया। तो अभी चलते हैं खेत दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा, ये ट्रैक्टर का निशान है क्या? हा? तो शो, ये हमारा खेत है, ये है पूरा। मतलब अभी इसमें मूंगफली थी कल, मतलब पूरा कुछ हो चुका है, मतलब मूंगफली ख़त्म मतलब कर दी, इसको काट के बेच भी दिया है। और आगे वहाँ पे खेत हैं। तो ये अभी मैंने ये उधार ली हुई है चप्पल थोड़ी, तो इस पे मैं चल रहा हूँ। हमारा चप्पल दो ही आए रहे, एक दूसरा हम छोटे बनाए, हाँ तो दूसरा और आए रहे हम बड़े हो गए रहे छोटे रहे लिखते। अच्छा, चप्पल आए रहे हम छोटे रहे, हाँ। इधर से आओ, खेत है उधर किसी का। तो मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा है, बस मुझे यहाँ ये पता था कि यहाँ पे खेत थे पहले हमारे। और मुझे कोई वो नहीं पता है कि कहाँ पे कौन सा खेत मेरा कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। इसको पता था पर इसको याद नहीं आ रही, मंदिर वाला पता नहीं कौन सा खेत बोल रहा है, मैं मेरे को तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में। और एक खेत था जो कि मैंने देख लिया और थोड़ा बहुत घूमा और बस यही है। देखो खेत,
सो अभी चलते हैं घर पे और थोड़ा फ्रेश फ्रेश होना है। ओ बड़ा चिल्ला रहे हैं। मुरैली कहाँ है? मुरैली या मोर का बोल रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है भूड़ वाला खेत कहाँ पे है। और 3 hours later ले कर कर अरे सो ये है हमारा पूरा खेत, यहाँ से वो लास्ट तक। ये चाचा जी थोड़ा काम कुम कर रहे हैं, पानी चला गया है। और ये है मक्का, मतलब मक्की जो होती है ना उसका खेत है। और इतनी धूप में काम करना पड़ता है यहाँ, देख रहे हो कितना बड़ा खेत है। और पूरे खेत में पानी देना है जो कि अभी तक आ नहीं रहा है, सुबह से बैठे हुए हैं और ये जो पानी है ये भी सूख गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, चाचा वहाँ पे मतलब खेती में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूप है। सुबह से मतलब बैठे हुए लाइट नहीं आ रही है, खेत में पानी दे रहे थे और मैं बैठा हूँ पेड़ पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, हवा खाने के चक्कर में। तो यार बस अब घर चलते हैं, चलें, चलो। चाहिए पी थोड़ी ज़्यादा आया, इतने पीले पीले वाह। उधर गई, वाह उधर नीचे, उधर हाँ जाइए के नीचे जो पानी पी लेते हैं जमे। ऊपर से ले जा, पी ले ऊपर वाले। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ट्यूबवेल पे था, देखा पानी और सोचा नहा लूँ पर मन नहीं है। पानी पुनी पिया और खेत में थोड़ा बहुत काम देखा मैंने कि कैसे करते हैं भाई। इतनी गर्मी और इतनी मेहनत है ना, कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। और अच्छा भी लगा, घुमा फिरा। और आज मैं निकल जाऊँगा 4 बजे क्योंकि फिर मेरे पास 3 दिन रह जाएंगे और 3 दिन के बाद फिर मैं वहाँ चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो 6 hours later सो अभी हम थे ट्यूबवेल पे और यहाँ पे आए थे चाची जी कपड़े धोने, तो मैं भी उनके साथ आया था। और अभी बहुत ज़्यादा धूप थी और एकदम से 10 मिनट में, 10 मिनट नहीं 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे लग रहा है। और आ भाई, और इतना ठंडा मौसम हो गया और टाइम पता कितना हो रहा है, 3 बज रहा है और वो वहाँ पे देखो कार्टून देख रहा है बैठ के। और ये कपड़े रखे हैं, चाची जी गए हुए हैं कि मूँगफली गीली ना हो जाए तो इसलिए उसको नीचे रखने के लिए, तो अभी वो गए हुए हैं। और मौसम इतना कूल हो गया है ना, और जब से मैं आया हूँ ना ऐसा थोड़ा ही महसूस नहीं हुआ कि ठंडा हो, बहुत होती गर्मी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पे रहता और क्या हुआ कि मैं चार्जर ही घर भूल गया हूँ, और चार्जर नहीं है तो मेरा काम नहीं बन पाएगा। और मेरे फ़ोन में बैटरी है 6%, बताओ। जैसे कि आपने देखा कि मैं दादी के घर गया, मैंने आपको खेत और बहुत सारी चीज़ें दिखाई और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई हैं। तो मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि मैं फिर से जब बीच में जाऊंगा तो जो चीज़ें हैं उनको कवर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, टिल देन।